इसी एड ऑन को ऐड करेंगे। तो एडिट में जाके यहाँ पे रेफरेंस है, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉल का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे। देन जहाँ पे मैंने डाउनलोड किया था वहीं जगह जाके और इससे हम इंस्टॉल करेंगे। ये देखो ओके करेंगे। ओके, जैसे मैंने ओके किया तो मेरे पास ये पहले से ही इंस्टॉल हुआ है। तो मैं इसको सर्च करूँगा। एंड तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास पहले से ही चेक लगा हुआ है। ओके, जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, ओके, तो आप उसे इंस्टॉल करके और इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब आती है बारी इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो हम सबसे पहले एन को प्रेस करेंगे। ओके, और एन को प्रेस करके जो हमारा एड ऑन था उसको हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखो फेस, ओके, फेस बिल्डर्स आ चुका है हमारा एड ऑन। और यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं अब ये पूछ रहा है न्यू क्रिएट ए न्यू हेड। तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो आपके पास यहाँ पे एक हेड आ जाएगा, एक करेक्टर आ जाएगा जिसका ये फेस है। ओके, इसको मैं ऊपर करके यहाँ पे सेट करूँगा। ओके, तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे राइट साइड है इस करेक्टर का जो पैनल है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। तो सबसे ऊपर बहुत ही आसान है, यहाँ पे आपने इमेज लेनी है। ओके, इमेज कुछ इस तरह सा लेनी है, चाहे वो आपकी हो या क्लाइंट की। ओके, तो मेरे पास एक इमेज है कुछ इस टाइप की, तो आपने इस तरह की इमेज आपने लेनी है। एक फ्रंट व्यू में देखना है, अगर आपके पास दो पिक्चर हैं तो वो भी इस्तेमाल करते हैं, एक साइड पोज एक फ्रंट पोज। ओके, तो मैंने फ़िलहाल ये गूगल से डाउनलोड की है फ्रंट पोज पे, तो इसको मैं यहाँ पे ऐड इमेज करूँगा। डेस्कटॉप पे हमारे पास यहाँ पे ये इमेज है, इसको क्लिक करके और कुछ ही दौर में थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और ये हमारी इमेज यहाँ पे आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरी जो इमेज है वो आ चुकी हैं। अब हमें एक इस पर काम करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत है, ठीक है, वो आपने करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये जो कर्सर है हमारा, इसको हम कहीं भी क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक डॉट सा आ जाएगा। ओके, तो आपने इस डॉट की मदद से इस वाले वायर फ्रेम को इस इमेज के साथ एडजस्ट करना है, बहुत ही आसान है। इसको मैं क्लिक करता हूँ और देन इसको यहाँ पे लेके एडजस्ट करूँगा। ओके, तो फिलहाल यहाँ ये हमारा नोज है जो बिल्कुल सही जगह पर है, बाकी जो लिप्स हैं लिप्स वगैरह देखेंगे। सबसे पहले हम एक डॉट यहाँ पे लगाएंगे। ओके, यहाँ पे आपने अपने हिसाब से जिस तरह मैं कर रहा हूँ आपने वहीं इसी तरह डॉट्स लगाने हैं। ओके, तो सबसे सेकंड जो चीज़ है हमारे जो लिप्स हैं इसको भी हम एडजस्ट करते हैं कुछ इस तरह। ओके, ओके, परफेक्ट। अब थोड़ा सा इस वाले एयर को भी हम एडजस्ट करेंगे एंड देन इसको भी हम एडजस्ट करेंगे। ओके, तो थोड़ी सी मेहनत है, आप इससे अगर अच्छी मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छी मिलेगी। ओके,
इसको यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे एक और डॉट भी दे देते हैं उनको, इसी तरह करेंगे। ओके अब हम आइज की बारी है, आइज को देखेंगे, एक डॉट यहाँ पे लगाएंगे परफेक्ट, ये भी हमारे परफेक्ट हैं। ओके आईब्रो भी थोड़ा से एडजस्ट करेंगे इसको, ओके फाइनल हो गया। ठीक है अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब सिंपली हमें इससे टेक्सचर देना पड़ेगा और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इस टेक्सचर के अंदर जाएंगे और इसको हम क्रिएट टेक्सचर करेंगे और ओके कर देंगे। ओके कर दिया तो देखो दोस्तों तो हमारा जो कैरेक्टर है वो रेडी हो चुका है। थोड़ा इसका जो सर है वो भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन आपने अच्छी तरह इसे एडजस्ट करना है। ओके तो ये देखो कितना क्लियर फेस है, गुड। अगर इसे हेड इन टेक्सचर करोगे तो ये हेड इन टेक्सचर हो जाएगा। ओके तो इसमें अगर और भी चेंजिंग वगैरह करनी है तो आप कर सकते हैं। ओके सिर्फ इतना ही नहीं हम इसे रिगिंग भी कर सकते हैं, अपने कैरेक्टर को मूवमेंट भी कर सकते हैं, किसी गेम में या किसी कार्टून के अंदर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, एक आर्मी चल लेंगे। ओके एक सिंगल बोन लिया और इस वाले बोन को ये मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया और बोन के अंदर जाके इसको फ्रंट कर दिया। ओके तो आप देख सकते हैं इसको एडिट मोड में जाके और इसको जी प्रेस करके और यहाँ पे इसको रखना है, अगेन ई प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है। मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये रिगिंग के लिए भी सही काम कर रहा है। ओके आप इससे अच्छे तरीके से इसकी जो वायर फ्रेम है एडजस्ट करके आप इसे अच्छी तरह रिगिंग कर सकते हैं। तो इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल पी करेंगे और ऑटोमेटिक करेंगे। ओके तो ये देखो मेरा एनिमेशन के लिए बोन्स के लिए रेडी है। इसको क्लिक करूँगा और आर को प्रेस करूंगा तो ये देखो मूवमेंट हो रहा है। ओके दोस्तों तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं इस तरह की अच्छी अच्छी अपडेट लेकर आता हूं। और बिल आइकन को ज़रूर प्रेस करना क्योंकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच जाए।